हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैंने बेसन आलू से बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और सुबह शाम की चाय के साथ बनाकर भी खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से आधा कप बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम बेसन को एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। यदि आप एक साथ ढेर सारा पानी डाल देंगे तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ बन जाएगी, उसे ख़त्म करने के लिए समय लग जाएगा। इसलिए पहले थोड़ा पानी डालें और इसका पहले थिक बैटर बनाएं। फिर बैटर हमें जितना पतला करना है हम उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। अभी मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छी तरह से घोल लिया है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है, ये देखिए। अब हम इसमें और पानी डालेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक पतला घोल तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। ये देखिए इतना पतला घोल लगाना है। सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग का। साथ ही में डाल देंगे आधी चम्मच अजवाइन, इसे हम हल्का सा क्रश करके डालेंगे। आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे। अब सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पका लिया है। अब जो हमने घोल तैयार किया था उस घोल को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था उस घोल को हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। इसे आपको लगातार चलाते रहना है। यदि आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब भी घोल को आप पैन में डालें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से पकना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसे पकाते रहेंगे चलाते हुए। बाई चांस इसमें गुठलियाँ बन भी जाती है तो आप इस तरह से चम्मच से इसे चलाते रहिए, ये देखिए, तो वो गुठलियाँ जो बनेगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा भी होने लगा है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब आप देख सकते हैं ये बैटर कितना गाढ़ा हो गया है, मैंने इसे चलाते हुए पका लिया है। ये देखिए बस इतना ही गाढ़ा हमें ये बैटर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कच्चा आलू लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बारीक ग्रेट किया है, तो इसे आप बारीक ही ग्रेट करिए। यदि आप मोटा ग्रेट करेंगे तो इसे पकाने के लिए समय लगेगा, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बॉयल आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आलू को बॉयल करना पड़ेगा जिससे कि आपको थोड़ा समय लगेगा। और आलू को जब आप ग्रेट करके रखें तो उसे पानी के अंदर ही रखें, बिना पानी के बाहर ना रखें, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लीजिए और फिर इसे डाल लीजिए। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए अभी थोड़ा ध्यान से डालेंगे। फिर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच नींबू का रस। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नींबू के रस से। आप चाहे तो यहाँ अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे एक डो की तरह तैयार करेंगे। ये नाश्ता बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सूजी की जगह आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का यूज़ हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना पानी के ही ये आसानी से बाइंड होने लगेगा, ये देखिए।
मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसमें सूजी की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, तो अपने हाथों को हम पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये मिश्रण हमारे हाथों में चिपके नहीं। और इस तरह से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे। जितना बड़ा आपको ये नाश्ता बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग शेप रख सकते हैं। मैं इस तरह से इसे गोल शेप दे रही हूं। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारा नाश्ता बनाकर रख लूंगी। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है और हमने जो इसमें बेसन में तड़का लगाया है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है ये नाश्ते का। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर रख लेंगे। सारा नाश्ता बनकर रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो हमने ये नाश्ता बनाया है ये नाश्ता हम इसके अंदर डाल देंगे। जितने नाश्ते कढ़ाई में एक बार में आ जाएंगे उतने हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में बिल्कुल भी ना डालें। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें चम्मच लगाएंगे। अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पहले इस तरह से टिकियाओं को हिलाएंगे। अब इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे इन्हें फ्राई करते समय तेल एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। यदि तेल एकदम ज़्यादा गर्म होगा तो टिकिया डालते से ही फ्राई तो हो जाएगी लेकिन अंदर कच्ची रहेगी। अब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी और यम्मी बेसन आलू का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं एक नाश्ता आपको उठा के बताती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर रख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।